नमस्कार, तो मेरा नाम है वंश शर्मा और इस वीडियो में हम जानेंगे देश दुनिया और पॉलिटिक्स की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए बात करते हैं अपनी पहली खबर के बारे में जो कि आ रही है भाई अरविंद केजरीवाल की तरफ से। तो अरविंद केजरीवाल लिखते हैं चंडीगढ़ मेयर चुनाव में दिन दहाड़े जिस तरह से बेईमानी की गई है वो बेहद चिंताजनक है। यदि एक मेयर चुनाव में ये लोग इतना गिर सकते हैं तो देश के चुनाव में तो ये किसी भी हद तक का जा सकते हैं, यह बेहद चिंताजनक है। जिसके बाद भाई आपको कल पता होगा कल चंडीगढ़ मेयर के चुनाव हुए थे, तो चंडीगढ़ मेयर के चुनाव होने के बाद आपको दिख रहे होंगे अधिकारी हैं ये किस तरीके से पैन चला रहे हैं। एक पैन चलाने के बाद जो होते हैं कांग्रेस और आपके दोनों जो है एक गठबंधन सरकार बना रहे थे, दोनों ने मिलकर चुनाव लड़े थे, दोनों एक साथ थे और बीजेपी अलग थी। तो इन दोनों ने जो मिलकर चुनाव लड़े थे इनके 8 वोट जो है चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन की तरफ से जो है कैंसिल कर दिए गए और जो है इस तरीके से 16 वोट के चलते हुए बीजेपी वहां पर जीत गई। जिसके बाद जो है भाई अरविंद केजरीवाल के नेता इस तरीके से बीजेपी को कह रहे हैं। जिसके बाद भाई अखिलेश यादव लिखते हैं चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बहुमत न होते हुए भी जिस प्रकार भाजपा ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए अधिकारियों को दबाव में लेकर चुनाव जीतने की धांधली की है उसका संज्ञान तत्काल सिर्फ चुनाव आयोग ही न बल्कि संविधान के प्रहरी के रूप में माननीय सुप्रीम कोर्ट भी ले और तुरंत इन नतीजों को निरस्त कर अपनी देखरेख में चुनाव करवाकर न्याय संगत नतीजे घोषित करे और इस लोकतांत्रिक अपराध के लिए दोषी लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई करे। भाजपा लोकतंत्र को निगल रही है, सत्ता का ऐसा वैसीपन देश और देश की जनता के लिए बहुत घातक साबित होगा। सो चलिए बात करते हैं अपनी अगली खबर के बारे में जो कि है भाई रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट के लिए इस साल निकली भर्तियों को लेकर छात्र काफी नाराज है। छात्रों का आरोप है कि इतने सालों बाद रेलवे में वैकेंसी निकली गई और इनकी संख्या सिर्फ 5,000 है। गुस्साए छात्रों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र सड़कों पर उतर गए हैं। रिक्तियां बढ़ाने की मांग को लेकर छात्र प्रदर्शन करते हुए शहर के एक कोने से दूसरे कोने पर नजर आ रहे हैं। जिसके बाद भाई एक ये आप वीडियो भी देख सकते हैं, ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, इन्हें डाला है एक यूजर ने। जिसके बाद आपको दिख रहा होगा पुलिस जो है एक व्यक्ति को मार रहे हैं, एक्चुअली में यहाँ पर एक प्रदर्शन कर रहे हैं रेलवे की भर्ती बढ़ाने के लिए ही। सो चलिए बात करते हैं अपनी अगली खबर के बारे में। तो कांग्रेस नेता जो है राहुल गांधी कुछ ऐसा लिखते हैं, सामाजिक और आर्थिक न्याय आज समय की मांग है और जातिगत जनगणना उस दिशा में पहला कदम। भाजपा नहीं चाहती ऐसा हो क्योंकि वह देश को चलाने में वंचितों की भागीदारी के खिलाफ रही है। हमने नीतीश जी से साफ कह दिया था कि आपको जातिगत जनगणना करनी होगी, इस पर हम आपको कोई छूट नहीं देंगे। दबाव में आकर नीतीश जी ने मूल रूप से सामाजिक न्याय के खिलाफ रही भाजपा में समझौता कर लिया है। वो डर गए पर हम नहीं डरने वाले, हम देश का एक्सरे करके रहेंगे क्योंकि इसके बिना समस्याओं का सही इलाज नहीं हो सकता है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का उद्देश्य 5 न्याय और सामाजिक न्याय उनमें से एक है, हमारा संकल्प है और हम हर हाल में इसे पूरा करेंगे। हमें नीतीश जी की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता ही होगा नीतीश जी ने जो है अपनी पार्टी छोड़ करके बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है और बीजेपी के साथ उन्होंने अब नई शपथ ली है। तो जिस बारे में राहुल गांधी ऐसा लिखते हैं, चलिए बात करते हैं अपनी अगली खबर के बारे में। तो पत्रकार अमन चोपड़ा लिखते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को दिल्ली से रांची भागने में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सहयोग किया। तो ये अरविंद केजरीवाल के लिए कहते हैं कि जो निशांत दुबे हैं उनको भगाने में जो है अरविंद केजरीवाल ने सहयोग किया। अमन चोपड़ा इस तरीके कहते हैं, एक्चुअली में उनके साथ कुछ ईडी का वगैरह का कुछ बातचीत थी जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि वो वहां से चले गए हैं, जैसे कि अमन चोपड़ा ने भी कहा है। चलिए बात करते हैं अपनी अगली खबर के बारे में। तो मैंने कुछ दिनों पहले आपको एक खबर बताई थी किस तरीके से एक जो है टीचर है, राजस्थान की एक टीचर है, उन्होंने सरस्वती माता की पूजा करने के लिए मना करा था अपने कॉलेज में, अपने बच्चों को पढ़ा रही थी स्कूल में, कुछ फंक्शन वगैरह हो रहा था, उस फंक्शन के दौरान उन्होंने वहां पर ऐसा कहा था। जिसके बाद भाई अब यह खबर देखिए, आप शुभम शुक्ला लिखते हैं इस मैडम ने स्कूल में देवी सरस्वती की प्रतिमा रखने का विरोध किया। राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने हर स्कूल में देवी सरस्वती की प्रतिमा अनिवार्य कर दिया, ये हम सबकी जीत है, हम सबने मुखर होकर इसकी आवाज उठाई, एकता में शक्ति है। सो चलिए बात करते हैं अपनी अगली खबर के बारे में जो कि भाई पत्रकार रवीश कुमार के बारे में। तो रवीश कुमार लिखते हैं जनता को अपने अपने नायकों की पूजा में लगा दिया जाएगा, हर जाति को एक से अधिक नायक, उनकी मूर्तियां, जयंतियां और छुट्टियां दे दी जाएंगी, कुछ को डाक टिकट मिलेगा, कुछ को रतन, सम्मानों की मांग सबसे बड़ी मांग हो जाएगी, जो दिख रहा है उसे भूलकर लोग याद करने में लगा दिए जाएंगे, यह लोकतंत्र का सबसे जरूरी काम होगा।
इस बीच चंडीगढ़ में सारी मूर्तियों को तोड़ते हुए एक नया नायक आएगा, अनिल मसीह। इस नाम का पीठासीन अधिकारी लोकतंत्र को हर ले जाएगा। जनता के एक बड़े वर्ग को मतदान के लिए नालायक घोषित कर दिया जाएगा, बाकी बच जाएंगे लायक जिन्हें अनिल मसीहा विजेता घोषित कर देगा। तो अनिल मसीहा वही है जैसे कि मैंने आपको भी कुछ देर पहले बताया था, जिन्होंने भाई पेपर पर पैन चलाया था, जिसके बाद भाई कांग्रेस और आपके 8 वोट जो है कैंसिल माने गए थे, कुछ हुआ था। जिसके बाद भाई आगे रविश कुमार लिखते हैं, गोदी मीडिया जीत का ढोलक बजाएगा, अदालतों की कुर्सी पर बैठे अनिल मसीह न्याय की अवधारणा पेश करेंगे, जिसे सुनकर सब मंदिर मंदिर नाचेंगे। तभी एक जयंती आएगी, तभी एक उत्सव आएगा, लोग फिर याद करने में लगा दिए जाएंगे। काल चक्र घूम गया है, वह काल बन चुका है, वह मेयर बन चुका है। वोट लूटने वालों के समर्थकों ने राम का नाम लिया है, जिसने भी राम का नाम लिया है उसे मोक्ष मिला है। डीजे बज रहा है, सेक्टर 17 में चंडीगढ़ शहर दी कुड़ी पर युवाओं का डांस हो रहा है। सेना से रिटायर होने के बाद अफसर कनाडा जा रहे हैं, वैंकूवर में मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं और चंडीगढ़ में लोकतंत्र हार रहे हैं। अगली जयंती किसकी है, कब है, कोई बचा है भारत रत्न के लिए, होली कब है? तो रवीश कुमार जो है ये चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस को लेकर ही लिखते हैं। सो चलिए बात करते हैं अपनी अगली खबर के बारे में। तो न्यूज 24 पोस्ट करता है, सभी मंदिरों के बाहर बोर्ड लगाकर उसमें लिख दिया जाए कि यहाँ गैर हिंदुओं को अंदर आने की अनुमति नहीं है, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा। तो न्यूज 24 कुछ ऐसा पोस्ट करता है। चलिए बात करते हैं अपनी अगली खबर के बारे में। तो एक फनी टाइप से कह सकते हो आप, इंडिया डेली के एक रिपोर्टर है भाई, इंडिया डेली अभी एक नया नया चैनल है, इतना ग्रो हुआ है अभी, मतलब ग्रो हो रहा है, टीआरपी में भी इसका भी नंबर नहीं आता। तो इसके एक रिपोर्टर है, उनको जो है तेजस्वी यादव को आज ईडी से मिलने के लिए जा रहे थे। तेजस्वी यादव ईडी के पास पहुंचने वाले होते हैं, तो जिसके बाद भाई रिपोर्टर अपनी रिपोर्टिंग करने के लिए जा रहे होते हैं, रास्ते में ही होते हैं। बीच रास्ते में एकदम से एंकर की रिपोर्टर पर कॉल आती है, एंकर कहते हैं कि आप एकदम से लाइव आए, शायद यही बात होती होगी। तो वो रिपोर्टर जो होता है बीच रोड पे से ही लाइव आ जाता है, जिसके बाद वो एंकर रिपोर्टर से पूछते हैं, तो तेजस्वी यादव क्या ईडी के पास पहुंच चुके हैं? जिसके बाद भाई रिपोर्टर भनभनाया हुआ होता है, क्योंकि भाई वो अपने पहुंचता भी नहीं है, बीच रास्ते में उसको एंकर की कॉल आ जाती है और कहते हैं कि लाइव आ जाओ। तो जो है रिपोर्टर एकदम भनभनाया हुआ कहता है, आपने मुझे पहुंचने भी नहीं दिया, अभी बीच रोड से ही आपको रिपोर्टिंग कर रहा हूं, मैं इस समय बीच रोड पर खड़ा हूं, मैं वहां पर पहुंचा भी नहीं। जितना आपको पता है वो एंकर को कहता है, रिपोर्टर एंकर को कहता है कि जितना आपको पता है उतना ही मुझे पता है, मुझे कुछ भी आगे का नहीं पता। असाइनमेंट टीम और आउटपुट टीम थोड़ा और समय दे देती तो मैं वहां पर पहुंच जाता, अभी मैं वहां पर भी नहीं पहुंचा, आप बीच रोड पर ही आपने मुझे लाइव बुला लिया। इस तरीके से भाई रिपोर्टर थोड़ा भनभना सा जाता है। हालांकि वीडियो यही तक थी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।